अध्याय 24, विलक्षण प्रकटीकरण। सती अपने तंबू से तेजी से बाहर आ गई। उसके पीछे कृतिका और आयुर्वती थी। थोड़ा धीरे चलिए सती, आयुर्वती ने दौड़कर चलते हुए उसके पास पहुंचते हुए कहा। इस प्रकार की आपकी स्थिति में, सती ने खीज के साथ आयुर्वती को देखा, लेकिन उसने अपनी चाल कम नहीं की। वह तेजी से राजशाही तंबू की ओर बढ़ती चली जा रही थी। वहां शिव एवं पर्वतेश्वर विजय की घोषणा के बाद पहुंच चुके थे। उसे यह सूचना मिली थी। नंदी एवं वीरभद्र प्रवेश पर पहरे पर खड़े थे। उन्होंने एक और हटकर सती को अंदर जाने दिया, लेकिन आयुर्वती और कृतिका को नहीं। मुझे क्षमा करें देवी आयुर्वती, नंदी ने क्षमा याचना वाले स्वर में कहा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मुझे यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। क्यों? आश्चर्यचकित आयुर्वती ने पूछा। मैं नहीं जानता देवी, मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, आयुर्वती ने कहा, आप तो केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वीरभद्र ने कृतिका की ओर देखकर कहा, मुझे क्षमा कर दो प्रिय, कृपया कर सार्वजनिक रूप से मुझे यह संबोधित ना करें। शर्माते हुए कृतिका ने कहा। सती ने आवरण को एक और हटाकर उस तंबू में प्रवेश किया। मैं नहीं जानता प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। यह बात समझ में नहीं आ रही है। सती चकित थी कि पर्वतेश्वर शिव को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे थे, किंतु शिव को सुरक्षित देखने की खुशी में उसकी सोच को एक और कर दिया। शिव? सती? शिव उसकी ओर मुड़ते हुए बुदबुदाया। सती जड़वत हो गई, क्योंकि जब उन्होंने सती को देखा तो वे मुस्कुराए नहीं थे। उनके मुख पर विजयी मुस्कान नहीं थी। उन्होंने अपने घावों पर मरहम पट्टी भी नहीं करवा रखी थी। क्या बात है? सती ने पूछा। शिव ने सती को गहरी दृष्टि से देखा। उसके मुख के भावों ने सती को विचलित कर दिया। वह पर्वतेश्वर की ओर मुड़ी। उसने कुछ क्षण के लिए एक जबरन मुस्कुराने वाली मुद्रा की। इस प्रकार मुस्कान उनके मुख पर तभी आती थी जब वे किसी बुरे समाचार से उसे बचाना चाहते थे। क्या बात है पितृतुल्य? पर्वतेश्वर ने शिव की ओर देखा। उसने अंत में अपना मुंह खोला। इस युद्ध के बारे में हमें कुछ परेशान कर रहा है। आपको क्या परेशान कर सकता है? आश्चर्यचकित सती ने पूछा। आपने सूर्यवंशी को अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है। चंद्रवंशी की यह घनघोर पराजय मेरे दादाजी द्वारा देने वाली पराजय से भी श्रेष्ठ है। आपको तो गर्व होना चाहिए। मैंने चंद्रवंशियों के साथ किसी नागा को नहीं देखा, शिव ने कहा। नागा लोग वहां नहीं थे? सती ने पूछा। ये तो समझ के बाहर है। हाँ, शिव ने कहा। उसकी आंखें कुछ पूर्वाभास के संकेत दे रही थी। यदि वे चंद्रवंशियों के साथ इतने हिले मिले हुए हैं तो उन्हें युद्ध भूमि में होना चाहिए था। यदि उन्हें चंद्रवंशियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था तो उनकी दक्षता युद्ध में उनके लिए और भी उपयोगी होती, लेकिन वे कहाँ थे? हो सकता है कि उनके मध्य दरार हो गई हो, सती ने कहा। मैं ऐसा नहीं मानता, पर्वतेश्वर ने कहा। यह युद्ध ही उन दोनों के मंदार पर्वत पर संयुक्त आक्रमण के कारण हुआ था। क्यों वे लोग यहां नहीं होते? शिव, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जान जाएंगे, सती ने कहा। आप अपने आप को इतना दुखी मत होने दीजिए। तुम नहीं समझती हो सती, शिव ने चिल्लाकर कहा। मैं नहीं जान सकता, इसी कारण से तो मैं चिंतित हूं। सती चौंक कर पीछे हट गई। उनकी इस असामान्य उग्रता से वह विस्मित रह गई। वे तो ऐसे ना थे। इस मध्य शिव को अनुभव हो चुका था कि उसने क्या कर दिया था। उसने तुरंत ही अपने रक्त से सने हाथ से सती का हाथ थामते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो सती, असल में ऐसा है कि। उनकी बातचीत में विघ्न उत्पन्न हो गया, क्योंकि दक्ष अपने सहायकों के साथ आवरण उठाकर एक अद्भुत अकड़ के साथ तंबू में प्रवेश कर चुका था। प्रभु! दक्ष की आंखों से आंसू निकल आए जैसे ही उसने शिव को कसकर गले लगाया। शिव के मुख से पीड़ा के कारण हल्की सिसकारी निकल गई। उसके घाव पीड़ा दे रहे थे। दक्ष ने तत्काल उन्हें छोड़कर एक कदम पीछे ले लिया। मुझे क्षमा करे प्रभु, दक्ष ने कहा। अपने सहायक की ओर मुड़कर दक्ष ने कहा, आयुर्वती बाहर क्यों है? उन्हें अंदर बुलाओ, उन्हें प्रभु के घावों पर मरहम पट्टी लगाने दो। नहीं, रुको, शिव ने उस सहायक को कहा। मैंने ही कहा था कि कोई मुझे तंग ना करे, बाद में भी घावों पर उपचार किया जा सकता है। शिव ने दक्ष की ओर मुड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु, यदि आज्ञा दे तो मैं पहले कुछ कहना चाहता हूं।
दक्ष ने उस बालक की तरह उत्साहित होकर कहा, जिसे अभी अभी बहुत समय से नहीं दी गई मिठाई मिल गई हो। आपने जो मेरे लिए किया है, जो मेलुहा के लिए किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमने वह किया है जो मेरे पिता भी नहीं कर सके थे। ये एक पूर्ण विजय है। इससे पहले कि दक्ष उनका ध्यान अपनी ओर पुनः खींच पाता, शिव और पर्वतेश्वर ने कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सम्राट दिलीप को यहाँ लाया जा रहा है, दक्ष ने कहा। क्या? पर्वतेश्वर ने आश्चर्य से पूछा। किंतु हमने तो अभी कुछ समय पहले ही सैनिकों को उनके खेमे में भेजा था। वे इतनी शीघ्रता से उसे बंदी नहीं बना पाए होंगे। नहीं पर्वतेश्वर, दक्ष ने कहा, मैंने अपने निजी पहरेदारों को बहुत पहले ही भेज दिया था। अवलोकन वेदिका से हम देख सकते थे कि जब तक प्रभु और आपने तीसरा आक्रमण किया था, तब तक चंद्रवंशी पराजित हो चुके थे। एक दूरी से जो दृश्य उपस्थित होता है, उसका यही लाभ होता है। जिस तरह का वह कायर है, मैं चिंतित था कि दिलीप अवश्य भाग जाएगा, इसलिए मैंने अपने निजी पहरेदारों को उसे बंदी बनाने के लिए भेज दिया था। किंतु महाराज, पर्वतेश्वर ने कहा, उसे यहाँ लाने से पहले हमें आत्मसमर्पण की शर्तों के बारे में विचार विमर्श नहीं कर लेना चाहिए। हम क्या प्रस्ताव रखेंगे? प्रस्ताव? दक्ष ने पूछा। उसकी आंखें विजय के परम आनंद से झिलमिला रही थी। सच्चाई से कहें तो यह देखते हुए कि उसकी कैसी घनघोर पराजय हुई है, हमें किसी प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं है। उसे यहाँ एक सामान्य अपराधी की तरह लाया जा रहा है। हालांकि हम उसे दिखाएंगे कि मेलुहा कितना दयाशील है। हम उसे ऐसा प्रस्ताव देंगे कि उसकी अगली 7 पुश्तें हमारी प्रशंसा करती रहेगी। इससे पहले कि चकित शिव पूछ पाता कि दक्ष ने अपने मन में क्या सोच रखा था, राजशाही ढिंढोरा पीटने वाले ने दिलीप के उस तंबू के बाहर उपस्थिति की घोषणा कर दी। उसके साथ राज्याभिषेक हुआ उसका राजकुमार पुत्र भागीरथ भी था। 1 मिनट कौस्तो, दक्ष ने कहा, और वह घबराहट के मारे उस तंबू कक्ष को व्यवस्थित करने में जुट गया, जैसा कि वह अपने अनुकूल चाहता था। वह एक कुर्सी पर बैठ गया जो उस तंबू कक्ष के मध्य में रखा हुआ था। दक्ष ने शिव से अनुरोध किया कि वह उसके दाहिनी ओर बैठे। जैसे ही शिव बैठ गया तो सती वहां से बाहर जाने को हुई। शिव ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुड़ी और उसने शिव की आवश्यकता को समझ लिया। उसके बाद वह शिव के पीछे रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। दक्ष ने उसके बाद पुकार कर कहा, उसे अंदर आने दो। शिव बुराई के मुख को देखने के लिए व्याकुल था। नागाव की अनुपस्थिति के बारे में संदेह होने के बावजूद वह सचमुच ही ऐसा मान रहा था कि उसने सच्चाई से एक न्याय संगत युद्ध किया था। उसने सोचा कि चंद्रवंशियों के उस दुष्ट राजा के पराजित मुख को देखने पर ही पूर्ण विजय होगी। दिलीप अंदर आया। शिव चकित होकर सीधा हो गया। जैसी उसने आशा की थी, दिलीप वैसा कदापि नहीं था। वह देखने में एक वृद्ध व्यक्ति जैसा था, जो दृश्य मेलुहा में सोमरस के कारण विरल ही देखने को मिलता था। वृद्ध होने पर भी दिलीप का व्यक्तित्व सुंदर था। वह मध्यम कद का था और थोड़े मांसल शरीर के साथ उसकी त्वचा काले रंग की थी। मेलुहा वासियों के सादगी भरे पहनावे की तुलना में उसका पहनावा मौलिक रूप से भिन्न था। एक चमकदार गुलाबी धोती, चमकदार बैंगनी रंग का अंगवस्त्रम और प्रचुर मात्रा में स्वर्ण आभूषण उसके अधिकतर अंगों में पहने होने के कारण उसे आकर्षक बना रहे थे। उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था कि उसने जीवन को बहुत ही आमोद प्रमोद में बिताया था। अति व्ययी ढंग से रंगीन उसके मुकुट के नीचे उसके सफेद बालों के साथ साथ बहुत अच्छी प्रकार से छटनी की हुई दाढ़ी ने उसके चेहरे को एक पूर्णतः आसक्त सा प्रकार देते हुए बुद्धिजीवी व्यक्ति का आकार भी दे रखा था। अभिषिक्त राजकुमार भागीरथ कहाँ है? दक्ष ने पूछा। मैंने उसे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा है, क्योंकि वह थोड़ा क्रोधी स्वभाव का है, दिलीप ने कहा। वह केवल दक्ष को देख रहा था और किसी अन्य की उपस्थिति मानने से इनकार कर रहा था। उसने आगे कहा, क्या आप मेलुहा वासियों में अपने अतिथि को बैठने के लिए कुर्सी देने की रस्म नहीं है? आप अतिथि नहीं है सम्राट दिलीप, दक्ष ने कहा, आप बंदी हैं। हाँ, मुझे पता है, आप मस्करी पसंद नहीं करते क्या? दिलीप ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। तो फिर इस बार आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? दक्ष ने दिलीप को प्रश्न सूचक दृष्टि से घूरा। आप लोगों ने 100 साल पहले ही यमुना का जल चोरी कर लिया है, दिलीप ने कहना जारी रखा, अब और क्या चाहते हैं? शिव ने आश्चर्य से दक्ष की ओर मुड़कर देखा। हमने यमुना का जल नहीं चुराया है, दक्ष ने क्रोध से चिल्लाकर कहा। वह हमारा था,
और हमने वापस ले लिया था। हाँ जो भी हो, दिलीप अपने हाथों को लहराकर इस बात को वही समाप्त करता हुआ बोला, इस बार आपकी क्या मांगे हैं? जिस प्रकार वार्तालाप चल रहा था उस पर शिव अचंभित था। उन लोगों ने अभी अभी इस दुष्ट व्यक्ति को पराजित किया था, उसे पश्चाताप ही होना चाहिए था, लेकिन वह दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यवहार कर रहा था और दम्भी था। दक्ष ने दिलीप को अपनी आंखें बड़ी करके और मधुर स्वर के साथ देखते हुए कहा, मैं कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। दिलीप ने सावधानी पूर्वक अपनी भौहों को ऊपर उठाकर पूछा, मुझे कुछ देना चाहते हैं? हाँ, मैं आपको हमारी जीवन शैली का लाभ देना चाहता हूँ। दिलीप लगातार संदेह भरी दृष्टि से दक्ष को घूर रहा था। हम आपको ऊंचा उठाकर हमारी श्रेष्ठ जीवन शैली तक लाना चाहते हैं, दक्ष ने कहा। उसकी आंखें अपनी ही इस उदारता से अचंभेपन में थी। उसने कहना जारी रखा, हम आप में सुधार लाएंगे। दिलीप ने खीखी वाली हंसी से पूछा, हम में सुधार? हाँ, मेरे सेनानायक पर्वतेश्वर अब आपके स्वदीप पर हमारे राज प्रतिनिधि के तौर पर शासन करेंगे। आप नाम मात्र के सम्राट होंगे। पर्वतेश्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके भ्रष्ट लोगों को सुधार कर उन्हें मेलुहा वासियों जैसे श्रेष्ठ जीवन स्तर पर लाए। अब हम लोग भाइयों की तरह रहेंगे। पर्वतेश्वर ने हैरानी से दक्ष की ओर मुड़कर देखा। उसे आशा नहीं थी कि उसे स्वदीप भेजा जाएगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि दिलीप को अपनी हंसी रोकने में बहुत कठिनाई हो रही थी। क्या आप सचमुच में ही यह सोचते हैं कि आपके ये सीधे साधे लोग स्वदीप पर शासन कर सकते हैं? मेरे लोग अस्थिर है, वे आपके उपदेशों को कभी नहीं सुनेंगे। हाँ, वे सुनेंगे, दक्ष ने व्यंग्योक्ति की। वे सब कुछ सुनेंगे जो हम कहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि वास्तव में वह स्वर कहाँ से आता है। क्या सचमुच में वह कहाँ से आता है, मुझे प्रकाशित कीजिए, दक्ष ने शिव की ओर मुड़कर झुककर कहा। देखिए हमारे साथ कौन बैठते हैं। दिलीप दक्ष के दाहिने मुड़ा और उसने अविश्वासी होकर पूछा, यह कौन है? इंद्रदेव के नाम पर इसमें क्या विशेष बात है? शिव कसमसा कर रह गया। वह अत्यधिक असुविधाजनक अनुभव कर रहा था। दक्ष ने और अधिक ऊंचे स्वर में कहा, हे चंद्रवंशी राजन, उनके कंठ को देखो। दिलीप ने पुनः उसी अहंकार से शिव की ओर देखा। अल्प मात्रा में रक्त एवं रक्त पिंडों के होने के बावजूद नीलाकंठ प्रदीप्त हो रहा था। अचानक दिलीप की वह अहंकारी मुस्कान अदृश्य हो गई। वह सदमे में हुआ प्रतीत हुआ। उसने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ सके। हाँ, हे भ्रष्ट चंद्रवंशी, दक्ष ने अवज्ञा वाले बोल में नाटकीय प्रभाव डालने के लिए अपने हाथों को लहरा कर कहा, हमारे पास नीलकंठ है। दिलीप की आंखों में स्तब्ध सी दृष्टि थी, उस बालक के समान जिसे अभी अभी पता चला हो जिन हाथों ने क्रूरता से उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, वे हाथ उसके प्रिय पिताश्री का हो। बढ़ती हुई शंकाओं से शिव का हृदय अशांत था। वह बैठक इस प्रकार से होनी निर्धारित नहीं थी। दक्ष ने अपनी धमकी भरे स्वर में बोलना जारी रखा, नीलकंठ ने प्रतिज्ञा ली है कि वे चंद्रवंशी तरीके की दुष्ट प्रकार की जीवन शैली का नाश करेंगे। आपको सुनना ही पड़ेगा। की करते हुए विमुड दिलीप ने शिव को गहरी दृष्टि से देखा, जो सनातन तत्व सा प्रतीत हो रहा था, और अंत में उसने स्वयं को इतना संयत किया कि वह कह सके, आप जो कहें। इससे पहले कि दक्ष अपने गर्जना वाले स्वर में कुछ और कह पाता, दिलीप मुड़ा और लड़खड़ाते हुए तंबू के आवरण की ओर चल पड़ा था। बाहर निकलने से पहले वह शिव को एक बार पुनः देखने के लिए पीछे मुड़ा। शिव उसकी अहंकार भरी गर्वीली आंखों में कुछ आंसू की बूंदें देखने को इच्छुक था। जैसे ही दिलीप ने तंबू के बाहर अपने कदम रखे, दक्ष उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर शिव को गले लगा लिया, इस बार धीरे से ताकि नीलकंठ को पीड़ा न हो। फिर उसने कहा, प्रभु आपने उसके मुख के भाव देखे, वे मूल्यवान थे। पर्वतेश्वर की ओर मुड़कर उसने कहा, पर्वतेश्वर दिलीप टूटा हुआ है, आपको स्वदीप वासियों को नियंत्रित करने में या उन्हें हमारी जैसी जीवन शैली की ओर लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग इतिहास में इस कार्य के लिए जाने जाएंगे कि हमने इस विपत्ति का स्थायी समाधान किया था। शिव उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका परेशान हृदय उचित उत्तरों की खोज कर रहा था। एक संघर्ष जो कुछ घंटे पहले तक न्याय संगत प्रतीत हो रहा था, वह अचानक ही गलत प्रतीत हो रहा था। वह असहाय सा सती की ओर मुड़ा। सती ने धीमे से उनके कंधे को स्पर्श किया।
आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? दक्ष ने शिव के परेशानी भरी सोच में अनधिकार ही प्रवेश किया। शिव ने मात्र अपना सिर हिलाया। मैंने मात्र इतना आग्रह किया है कि आप दिलीप की सवारी में अयोध्या तक जाना पसंद करेंगे अथवा नहीं, दक्ष ने पूछा। आप इस सम्मान के योग्य हैं प्रभु, आपने इस सुहावने दिन के लिए हमारा नेतृत्व किया है। इस समय यह वार्तालाप शिव को उतना महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत हो रहा था। उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वह कोई उत्तर सोच सके। उसने खोए खोए से तरीके से सिर हिलाया। अति सुंदर, मैं सारी व्यवस्थाएं करता हूँ, दक्ष ने कहा। अपने सहायक की ओर मुड़कर उसने कहा, आयुर्वेदी को अंदर भेजो ताकि वह प्रभु के घावों पर मरहम पट्टी कर सके। इससे पहले कि दिलीप के शासन की पराजय के पश्चात कुछ गड़बड़ी फैल जाए, कल प्रातः ही हमें अयोध्या पर नियंत्रण करने के लिए प्रस्थान करना होगा। शिव की ओर नमस्ते करने के बाद दक्ष मुड़कर जाने को हुआ तो उसने पर्वतेश्वर से पूछा, पर्वतेश्वर आप नहीं चल रहे हैं? पर्वतेश्वर ने शिव की ओर देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। पर्वतेश्वर, दक्ष ने दोहराया। एक क्षण सती की ओर देखता हुआ पर्वतेश्वर मुड़कर चला गया। सती आगे बढ़ी, शिव के चेहरे को कोमलता से थामे हुए। शिव की आंखें अत्यधिक थकान के कारण बोझिल होती जा रही थी। उसी समय आयुर्वेदी ने आवरण को सावधानी पूर्वक उठाया और पूछा, आप कैसे हैं प्रभु? शिव ने ऊपर की ओर देखा, उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थी। वह एक विचित्र प्रकार की नींद में गोता लगाने की ओर अग्रसर था। अचानक वह बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाया, नंदी, नंदी, क्या तुम एक गुलूबंद ला सकते हो? गुलूबंद प्रभु? नंदी ने पूछा। हाँ हूँ, किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मुझे चाहिए, शिव ऊंचे स्वर में चिल्लाया। नंदी अपने प्रभु के इस हिंसास्त्र प्रकार के उत्तर से स्तब्ध होकर तेजी से बाहर भागा। सती और आयुर्वेदी ने आश्चर्य में शिव को देखा। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, शिव अचानक ही गिर पड़ा अचेत। वह तीव्र गति से दौड़ रहा था। वह डरावना जंगल निरंतर उसकी ओर बढ़ता हुआ समीप चला आ रहा था। वह हताशा में उस वृक्ष से दूर जाना चाहता था, इससे पहले कि उसके खूंखार पंजे उसे पकड़ ले। अचानक एक अति तीव्र आग्रही चिल्लाहट शांति को भंग कर गई। सहायता, मेरी सहायता करें। वह रुक गया। नहीं, वह इस बार नहीं भागेगा, वह उस राक्षस से लड़ाई करेगा। वह महादेव था, यह उसका कर्तव्य था। शिव धीरे से पीछे मुड़ा, उसकी तलवार निकली हुई थी, उसकी ढाल उसके हाथ में ऊंची उठी हुई थी। जय श्री राम, वह चिल्लाया और वह उस खुले हुए भाग की ओर दौड़ पड़ा। झाड़ियों वाले कांटों ने उसके पैरों को छील दिया था। बहते हुए रक्त और डर के बावजूद वह दौड़ता चला जा रहा था। मैं उसके पास समय से पहुंच जाऊंगा, मैं इस बार उसे निराश नहीं करूंगा, मेरा रक्त मेरे पापों को धो डालेंगे। उसने उस अंतिम झाड़ियों के झुरमुट से ऊपर से छलांग लगाई। कांटों ने उसके शरीर के मांस को एक लोबी की तरह काट कर रख दिया था, किंतु वह उछलकर उस खुले क्षेत्र में पहुंच गया। उसकी ढाल रक्षात्मक ढंग से सामने थी और उसकी तलवार आक्रमण के प्रतिकार में नीचे की ओर झुकी थी, किंतु किसी ने आक्रमण नहीं किया। यह तो एक विचित्र अट्टहास था जिसने उसके ध्यान केंद्रन को तोड़ डाला था। उसने अपनी ढाल को धीमे से नीचे किया, बहुत धीमे से। हे प्रभु, पीड़ा में उसकी चीख निकल गई। स्त्री भूमि पर व्यथित पड़ी हुई थी। एक छोटी सी तलवार उसके वक्षस्थल में गड़ी हुई थी। वह छोटा सा बालक उसके बगल में खड़ा था, स्तब्ध, निशब्द। उसका हाथ मृत्यु कारित करने के संघर्ष से लहूलुहान था। वह रोएदार राक्षस एक शिला के किनारे पर बैठा हुआ उस बालक की ओर संकेत कर रहा था, हंसता हुआ। नहीं, शिव बलपूर्वक चीखा और एक झटके से उठ बैठा। क्या हुआ शिव? सती ने चिंतित होकर पूछा, झपट कर उसके हाथ को पकड़ते हुए। शिव ने विस्मय से कक्ष के चारों ओर देखा। चिंतित पर्वतेश्वर एवं आयुर्वेदी भी खड़े हो गए और बोल पड़े, प्रभु। शिव, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सती ने धीमे स्वर में बड़ी सुकुमारता से अपने हाथ शिव के मुख पर चलाते हुए कहा, आपको विषयुक्त कर दिया गया था प्रभु। आयुर्वेदी ने कहा, हमारा मानना है कि कुछ चंद्रवंशी सैनिकों के पास विषयुक्त शस्त्र रहे होंगे, इसके कारण कई अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। शिव ने धीरे धीरे जब अपना मानसिक संतुलन पाया तो वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। सती ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, किंतु उसने स्वयं ही उठने का हट किया। उसका गला अत्यंत ही दुखदायी रूप से शुष्क था।
वह डगमगाता हुआ घड़े के पास पहुंचा। सती उसके साथ थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और ढेर सारा जल अपने गले में उडेल लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बहुत लंबे समय तक सोता रहा हूँ। शिव ने अंततः दूर जली हुई मशाल और अंधकारमय आसमान को देख लिया था। हाँ, चिंतित आयुर्वती ने कहा, लगभग 36 घंटे। 36 घंटे! चकित शिव के मुख से एक चीख निकल पड़ी और वह एक आरामदायक कुर्सी पर लगभग गिर सा गया। उसने एक डरावने आकार के व्यक्ति को पीछे की ओर बैठे हुए देखा। उसकी आंखें पट्टियों से बंधी हुई थी और उसके अंग छेदन किया हुआ बायां हाथ रस्सी के सहारे लटका हुआ था। ध्यान से देखने पर शिव आश्चर्य में बोल पड़ा, द्रपकू? जी हाँ प्रभु, द्रपकू ने सैनिक अभिवादन करने के लिए उठने का प्रयास करते हुए कहा। हे भगवान द्रपकू, तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, कृपया बैठे रहो। आपको देखना स्वर्गीय अनुभूति है प्रभु। तुम्हारी और युद्ध कैसा रहा? मैंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया प्रभु, लगभग आधे आदमी और यह हाथ और एक आंख, द्रपकू ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन आपकी कृपा से हम लोगों ने उन्हें तब तक रोके रखा जब तक कि मुख्य युद्ध समाप्त नहीं हो गया। इसमें मेरी कोई कृपा नहीं थी मित्र, यह तो तुम्हारा शौर्य था। शिव ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सती अपने पति के बालों में हाथ फेरते हुए खड़ी थी। कृपया आप निश्चिंत रूप से बैठना चाहते हैं शिव, आप कुछ देर के लिए लेट सकते हैं। मैंने उस अनजानी मुद्रा में कुछ अधिक ही आराम कर लिया है सती, शिव ने एक दुर्बल मुस्कान के साथ कहा। आयुर्वेदी ने मुस्कुरा कर कहा, लगता है कि विष ने निश्चित रूप से आपकी दिल लगी करने की भावनाओं को प्रभावित नहीं किया है प्रभु। सच में? क्या ये अभी भी उतनी ही बुरी है? शिव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। पर्वतेश्वर, द्रपकू एवं आयुर्वती के मुख से हल्की हंसी फूट पड़ी। सती को हंसी नहीं आई, वह शिव को अत्यधिक ध्यानपूर्वक देख रही थी। वे कुछ अधिक ही प्रयास कर रहे थे, वे भुलाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये प्रयास कर रहे थे कि लोग उन्हें छोड़कर दूसरी वस्तुओं पर अपने ध्यान केंद्रित करें। क्या यह स्वप्न अन्य स्वप्नों की तुलना में और बुरा था? महाराज कहाँ है? शिव ने पूछा। पिताजी आज प्रातः ही अयोध्या को प्रस्थान कर गए हैं, सती ने कहा। प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा, महाराज ने अनुभव किया कि परिस्थितियों को देखते हुए स्वदीप को बिना शासन के अधिक दिनों तक रखना उचित नहीं होगा। उन्होंने इसे महत्वपूर्ण समझा कि सम्राट दिलीप को बंदी बनाए हुए सूर्यवंशी सेना को समस्त साम्राज्य में भ्रमण करना चाहिए ताकि स्वदीप वासियों को पता हो और वे इस नए विधान को स्वीकार कर ले। तो फिर हम लोग अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग जाएंगे प्रभु, आयुर्वती ने कहा। कुछ दिनों के बाद जब आप पूरी तरह से स्वस्थ एवं पूर्व की भांति शक्तिशाली हो जाएंगे। लगभग 12,000 सैनिक हमारे साथ यही रह गए हैं प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। हम लोग अयोध्या को प्रयाण करेंगे जब आप तैयार होंगे। महाराज ने इस बात पर बल देकर सम्राट दिलीप के परिवार के एक सदस्य को पीछे छोड़ दिया है ताकि बंदी साथ में रहने पर हमारी अपेक्षाकृत छोटे सैन्य दल पर स्वदीपवासी भूलकर भी आक्रमण ना कर सके। तो इसका अर्थ है कि हमारे खेमे में सम्राट दिलीप के परिवार का एक सदस्य भी है। जी हाँ प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। उनकी पुत्री राजकुमारी आनंदमयी। आयुर्वती अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। क्या? शिव ने चौंक कर पूछा। आयुर्वती ने पर्वतेश्वर की ओर संकोचपूर्वक देखा और उसके बाद सती की ओर बनावटी हंसी से। पर्वतेश्वर ने तीव्र आंखों से आयुर्वती को देखा। क्या हुआ? शिव ने पुनः पूछा। इतना कुछ महत्वपूर्ण भी नहीं है प्रभु, पर्वतेश्वर ने विचित्र तरह से संकोच पूर्णता से कहा। वह ऐसा है कि वह कुछ अधिक ही दमदार है। तो फिर ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं उसके रास्ते में कभी ना पड़ूं, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मार्ग सही प्रतीत होता है, पर्वतेश्वर ने मानचित्र पर संकेत करते हुए कहा। पिछले 5 दिवसों में शिव एवं विषाक्त होने वाले सभी सैनिक भले चंगे हो चुके थे। अयोध्या के लिए प्रयाण अगले दिन प्रातः का नियत किया गया था। मेरे विचार से आपका कहना उचित जान पड़ता है, शिव ने कहा। उसका मन स्वदीप के सम्राट के साथ हुई बैठक की ओर खींचा चला गया। दिलीप के बारे में सोचने का कोई अर्थ नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि वह उस बैठक के दौरान नाटक कर रहा था। चंद्रवंशी बुरे लोग हैं,
वे किसी भी प्रकार का धोखा देने में माहिर हैं। हमारा युद्ध न्याय संगत था। हम लोग कल प्रातः प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं प्रभु, पर्वतेश्वर ने कहा। उसके बाद उसने सती की ओर मुड़कर कहा, तुम अंततः प्रभु श्री राम के जन्म स्थल को देख पाओगी मेरी बच्ची। हाँ पितृतुल्य, सती ने मुस्कुरा कर कहा, किंतु मैं नहीं जानती कि इन लोगों ने उनके मंदिर को अच्छी तरह से रखा भी होगा अथवा नहीं, अपनी घृणा में उसे नष्ट न कर दिया हो। उनकी यह बातचीत एक अत्यंत ही उच्च स्तरीय शोरगुल से बाधित हो गई। पर्वतेश्वर ने गुस्से से अपनी त्योरी चढ़ाकर पूछा, वहां बाहर क्या हो रहा है नंदी? प्रभु, नंदी ने आवरण के दूसरी ओर से कहा, राजकुमारी आनंदमयी यहाँ है, उनकी कुछ मांगे हैं, किंतु हम उसे पूरा नहीं कर सकते। वे आपसे मिलने का हट कर रही है। राजकुमारी जी से कहो कि वे अपने तंबू में प्रतीक्षा करें। पर्वतेश्वर ने गुर्रा कर कहा, मैं कुछ ही मिनटों में उनसे मिलता हूँ। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती सेनानायक। आवरण के पीछे से एक शक्तिशाली स्त्री का स्वर उभरा। शिव ने पर्वतेश्वर को संकेत किया कि उन्हें आने दिया जाए। पर्वतेश्वर ने आवरण की ओर मुड़कर कहा, नंदी, वीरभद्र उन्हें अंदर लेकर आओ, किंतु अस्त्र शस्त्र आदि के लिए उनका परीक्षण कर लेना। कुछ ही क्षणों में नंदी एवं वीरभद्र के साथ आनंदमयी ने शिव के तंबू में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति पर शिव की भौहें ऊपर उठ गई। वह अपने पिता से अधिक लंबी थी और ध्यान भंग करने वालियों की तरह सुंदर थी। अखरोट के गहरे रंग वाला उसका स्वरूप उसके शरीर का संपूरक था, जो प्रचुर मात्रा में कामुक किंतु स्वस्थ था। उसकी हिरणी जैसी आंखें कामोत्तेजक रूप में अध खुली घूरने वाली दशा में थी, जबकि उसके होठ चिरस्थायी रूप से खींच की मुद्रा में फूले हुए थे, जो कामुक तो थे फिर भी भयभीत करने वाले थे। उसने उकसाने वाले वस्त्र पहन रखे थे। उसने धोती को संकटपूर्ण तरीके से कमर में बहुत नीचे की ओर बांधा हुआ था और जो घुटनों से कई इंच ऊपर तक ही थी, जबकि उसे पीड़ायुक्त तरीके से अपने कमनीय नितंबों पर कसकर लपेटा हुआ था। वह लंगोट से कुछ ही लंबी थी, जो मिलुहावासी पुरुष अनुष्ठानिक स्नान के समय पहना करते थे। उसकी चोली कुछ कुछ उसी प्रकार के कपड़े के टुकड़े से बनी हुई थी, जो मिलुहावासी स्त्रियों द्वारा पहनी जाती थी, किंतु अपवाद स्वरूप वह ऊपर से उसके विशाल उरोजों को आकार देते हुए अश्लील तरीके से कटी हुई थी, जो उसके उरोजों के मध्य भाग की गहराई को आदरतापूर्ण दिखा रहा था। वह अपरिपक्व वासना को बहाते हुए अपने नितंबों को एक और झुकाकर खड़ी हुई थी। आप सचमुच में ये समझते हैं कि मैं इन वस्त्रों में कोई अस्त्र शस्त्र छुपा सकती हूँ? अपने वस्त्रों की ओर संकेत करते हुए आनंदमयी ने धावा बोला। विस्मित नंदी एवं सती ने दृष्टि गड़ाकर उसको देखा, जबकि शिव एवं वीरभद्र के मुख पर एक आश्चर्य मिश्रित मुस्कान थी। पर्वतेश्वर ने हल्का सा सिर हिलाया। आप कैसे हैं पर्वतेश्वर? आनंदमयी ने एक मोहक मुस्कान फेंकते हुए और उसे नीचे से ऊपर तक निहारते हुए कहा। उसने कामुकता से अपनी भौहें उठाई। शिव ने जब पर्वतेश्वर को थोड़ा शर्माते हुए देखा तो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। आपकी क्या अभिलाषा है राजकुमारी? पर्वतेश्वर ने तीखे स्वर में पूछा। हम लोग एक महत्वपूर्ण बैठक में हैं, जिसकी मुझे अभिलाषा है। क्या आप उसे सचमुच में पूरा करेंगे सेनानायक? आनंदमती ने निश्वास छोड़ते हुए कहा। पर्वतेश्वर शर्म से और भी लाल हो गया। राजकुमारी, हमारे पास निरर्थक बातों के लिए समय नहीं है। हाँ, आनंदमयी ने आह भरते हुए कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर आप इस उदासीनता भरे खेमे में मेरे लिए थोड़ा दूध और गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं? पर्वतेश्वर ने नंदी की ओर मुड़कर आश्चर्य में देखा। नंदी ने तुरंत अपना मुंह खोला, प्रभु, इन्हें मात्र एक गिलास दूध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 50 लीटर की आवश्यकता है। आहार वितरण नियंत्रण के तहत इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप 50 लीटर दूध पीने वाली हैं? पर्वतेश्वर चीखा। उसकी आंखें आश्चर्य में फटी रह गई। वह मुझे सौंदर्य स्नान के लिए चाहिए सेनानायक। आनंदमयी ने क्रूद्र दृष्टि से देखा। आप हम लोगों को एक लंबी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। मैं बिना तैयारी के नहीं जा सकती। मैं प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, पर्वतेश्वर ने कहा। आप केवल प्रयास न करें सेनानायक, यह आपको करना ही होगा। आनंदमयी ने लगभग चेतावनी वाले स्वर में कहा। शिव अब अपने पर नियंत्रण न रख सका और ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम क्या सोचते हो
कि तुम किस बात पर हंस रहे हो। शिव की ओर मुड़ते हुए आनंदमयी ने गुस्से से देखा। आप प्रभु से मर्यादा से बात करें राजकुमारी, पर्वतेश्वर चिल्लाया। प्रभु, आनंदमयी ने उपहास वाली हंसी के साथ कहा, तो यह है जो प्रभारी है, जिसे दक्ष कथित रूप से दिखाकर इतरा रहे थे। वह शिव की ओर मुड़ी। तुमने मेरे पिता से ऐसा क्या कुछ कह दिया कि वे अब बातचीत भी नहीं कर रहे? तुम मुझे तो इतने धमकी भरे नहीं लगते हो। आप जो कुछ भी बोल रही हैं उसके बारे में सावधान रहिए राजकुमारी, पर्वतेश्वर ने क्रोधित होते हुए समझाया। आप शायद यह नहीं जानती कि आप किससे बात कर रही हैं। शिव ने पर्वतेश्वर को अपना हाथ उठाकर शांत होने के लिए कहा, किंतु वह तो आनंदमयी थी जिसे शांत करने की आवश्यकता थी। तुम चाहे जो भी हो, जब हमारे प्रभु पधारेंगे तो तुम लोग सभी चूर चूर हो जाओगे। जब वे स्वदीप में उत्तराधिकारी बनकर नीचे आएंगे तो तुम जैसी बुराइयों का नाश कर देंगे। क्या? इन्हें अभी बाहर निकालो, इन्हें अभी बाहर निकालो नंदी, पर्वतेश्वर ने चीख कर कहा। नहीं, रुको, शिव ने कहा। आनंदमयी की ओर मुड़कर उसने पूछा, आपके कहने का अर्थ है कि जब वे स्वदीप के उत्तराधिकारी बनकर नीचे आएंगे तो हम जैसी बुराइयों का नाश कर देंगे? मैं तुम्हें उसका उत्तर क्यों दूं पर्वतेश्वर के प्रभु? पर्वतेश्वर अत्यधिक फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने तलवार निकालकर आनंदमयी की गर्दन के पास ले जाकर दिखाते हुए कहा, जब प्रभु कुछ पूछते हैं तो आप उत्तर देंगी। क्या आप हमेशा ही इतनी फुर्ती दिखाते हैं? आनंदमयी ने धृष्टतापूर्वक कहा, या फिर आप कभी कभार धीमी गति से भी कुछ काम कर सकते हैं? अपनी तलवार अत्यधिक समीप लाते हुए पर्वतेश्वर ने कहा, प्रभु को उत्तर दीजिए राजकुमारी। अपना सिर हिलाते हुए आनंदमयी शिव की ओर मुड़ी। हम अपने प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो स्वदीप में आएंगे और वे दुष्ट सूर्यवंशियों का विनाश कर देंगे। शिव के सुंदर मुख पर चिंता की शक्तिशाली रेखाएं उभर गई। उसने पूछा, तुम्हारे प्रभु कौन है? मैं नहीं जानती, उन्होंने अभी तक अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया है। एक अत्यंत ही गहरा अनिष्ट दर्शन शिव के हृदय में समा गया। वह अपने अगले प्रश्न से अत्यंत ही भयभीत था, लेकिन उसके अंतर्मन ने उससे कहा कि नहीं, उसे पूछना ही चाहिए। तुम कैसे जान पाओगी कि वे ही तुम्हारे प्रभु हैं? तुम इसमें इतनी रुचि क्यों रखते हो? मुझे यह जानने की आवश्यकता है, शिव ने उलझन वाले स्वर से पूछा। आनंदमयी ने गुस्से से त्योरी चढ़ाकर शिव को देखा जैसे कि वह विक्षिप्त व्यक्ति हो और कहा, वे सप्त सिंधु के नहीं होंगे। वे न तो सूर्यवंशी होंगे और न ही चंद्रवंशी, किंतु वे जब भी आएंगे हमारे पक्ष में ही आएंगे। शिव के अंतर्मन के स्वर ने उससे कहा कि अभी बात समाप्त नहीं हुई है, उसे अभी और भी कुछ कहना है। अपनी कुर्सी के हत्थे को बलपूर्वक पकड़कर उसने पूछा, और आनंदमयी ने कहना जारी रखा, जब वे सोमरस का पान करेंगे तो उनका कंठ नीला हो जाएगा। एक सुनाई पड़ने वाली निस्वास शिव के मुख से निकल गई और उसका शरीर तन गया। उसे प्रतीत हो रहा था कि समस्त ब्रह्मांड घूम रहा था। इस विचित्र वार्तालाप पर आनंदमयी और भी क्रोधित हो चुकी थी। पर्वतेश्वर ने आंखें तिरेर कर डरावनी दृष्टि से आनंदमयी को घूरते हुए कहा, हे नारी, आप असत्य बोल रही हैं, स्वीकार कीजिए, आप असत्य वचन बोल रही हैं। मैं क्यों असत्य? आनंदमयी बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसने शिव के गले में गुलूबंद को देख लिया था। अचानक ही उसके मुख से अहंकार का भाव अदृश्य हो गया। उसे प्रतीत हुआ कि उसके घुटने झुक से रहे थे। बड़ी दुर्बलता से उंगली उठाकर उसने पूछा, आपका गला ढका हुआ क्यों है? इन्हें बाहर ले जाओ नंदी, पर्वतेश्वर ने आज्ञा दी। आप कौन है? नंदी या वीरभद्र ने आनंदमयी को बाहर खींचने का प्रयास किया। आश्चर्यचकित शक्ति के साथ वह उनसे संघर्ष करने लगी और बोली, अपना गला दिखाइए। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर पीछे की ओर कर दिया। उसने वीरभद्र के दोनों पैरों के मध्य अपने पैर से चोट मारी तो वह अत्यधिक पीड़ा में करहार कर पीछे हट गया। फिर उसने शिव की ओर पलटकर कहा, आखिर आप हैं कौन? शिव ने नीचे मेज को घूरना प्रारंभ कर दिया था। उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह आनंदमयी की ओर दृष्टि उठाकर भी देख सके। उसने अपनी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे वही एकमात्र स्थिर वस्तु प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही अनियंत्रित गति से उसके सामने घूमता दृष्टिगत हो रहा था। वीरभद्र ने पुनः झपट कर उसकी बाहें पकड़ ली और नंदी ने उसे उसके गले से पकड़ लिया।
तो उसने नंदी के हाथ को क्रूरतापूर्वक काट खाया। पीड़ा से झटपटाता हुआ नंदी ने ज्यों ही अपना हाथ खींचा तो वह अत्यधिक ऊंचे स्वर में चिल्लाई, मुझे उत्तर दीजिए, भगवान के लिए आप कौन हैं? शिव ने सिर उठाकर क्षण भर के लिए आनंदमयी की संतप्त आंखों को देखा। जिस पीड़ा का उसने संदेश दिया, उसने उसके हृदय पर सहस्त्र कोड़े बरसा दिए। व्यथा की ज्वाला ने उसकी अंतरात्मा को जलाकर रख दिया था। स्तब्ध आनंदमयी अचानक ही जड़वत हो गई। उसकी आंखों की दयनीयता मिलुहा के वीरों से भी वीर योद्धा को बोचका कर देती। टूटे हुए स्वर में उसने धीमे से कहा, आप तो कथित रूप से हमारे पक्ष में आने वाले। उसने नंदी और वीरभद्र को उसे बाहर ले जाने से नहीं रोका। परोतेश्वर ने अपनी आंखें नीची कर ली। वह शिव को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह एक आदर्श सूर्यवंशी था। जब प्रभु अपने सबसे दुर्बल क्षणों में हो तो वह उन्हें देखकर लज्जित नहीं कर सकता था। दूसरी ओर सती उनके इस सबसे दुर्बल क्षणों में उनकी ओर न देखकर अपने पति को अकेले पीड़ित होते नहीं देख सकती थी। वह उसकी बगल में आई और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। शिव ने सिर ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से दुख के आंसू विध्वंस रूप से अनवरत बह निकले थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने यह क्या किया? सती ने शिव को कसकर पकड़ लिया। उसने शिव के सिर को अपने वक्ष स्थल में छुपा लिया। उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। वह मात्र उसे पकड़कर सांत्वना दे सकती थी। एक अत्यंत ही संतप्त धीमा स्वर उस समस्त तंबू में संताप को गुंजायमान करता हुआ आप्लावित हो उठा, मैंने यह क्या किया? धन्यवाद।